डिजिटल बोर्ड का इतना क्रेज क्यों अब बढ़ रहा है डे बाय डे हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे आसपास में? तो जब डिजिटल एज है तो हम लोग डिजिटल बोर्ड क्यों ना यूज करें, ये इसी डिजिटल एज और इंफॉर्मेशन एज का कमाल है। आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल बोर्ड हमें क्यों यूज करना चाहिए आज के टाइम में। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरवराज चौहान स्वागत करता हूँ आपका यूरिकाडेक चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल बोर्ड हमें क्यों यूज करना चाहिए आज के टाइम में, डिजिटल बोर्ड का इतना क्रेज क्यों अब बढ़ रहा है डे बाय डे हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे आसपास में। शुरू करते हैं, इसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिजिटल बोर्ड जो इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड होता है, ऐसा एक स्क्रीन है जो कि टच होता है और बड़े साइज में आता है, एक बोर्ड के साइज में आता है, जिसपे जिसके थ्रू हम लोग अपने कॉन्टेंट को प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एक चीज और आपको पता होगा कि आज के टाइम को हम लोग डिजिटल एज बोलते हैं। जैसा सबको पता है, डिजिटल एज और आज के एज को इंफॉर्मेशन एज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि आज के टाइम में डिजिटल सब कुछ होते जा रहा है, चाहे वो पेमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, वर्क की बात हो, हर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसलिए आज के एज को डिजिटल एज भी बोलते हैं और इंफॉर्मेशन एज इसलिए कि डिजिटल के साथ साथ जो हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, आज हर घर में हर किसी के पास ऑलमोस्ट मोबाइल विद इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ उनके पास मोबाइल फोन है, तो उसमें इंटरनेट के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन, बहुत सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन उनको बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से बहुत ही शॉर्ट टर्म में मिल जाती है। यही इंफॉर्मेशन आज से पहले, जब इंटरनेट इतना ज़्यादा इजीली एसेसिबल नहीं था, तो इतना इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं था। वही इंफॉर्मेशन जो आज हम एक दिन में जो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन जान जाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जानने में, उतना इंफॉर्मेशन गैदर करने में महीनों लग जाते थे, पहले सालों लग जाते थे। तो इसलिए आज के एज को इंफॉर्मेशन एज भी बोलते हैं और डिजिटल एज भी बोलते हैं। तो जब डिजिटल एज है तो हम लोग डिजिटल बोर्ड क्यों ना यूज करें, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और मुझे लगता है ये आप लोगों को भी कम्युनिकेट करेगा। एक्चुअली ये हम सब देखते हैं बट उसको हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। तो आज के टाइम में क्या है कि आप जहाँ भी न्यू बॉर्न बेबीज हैं, बच्चे हैं, जिनके घर में एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, आठ साल, दस साल, ऐसे जो भी बच्चे हैं, आप देखेंगे कि जो स्पेशली एक साल, दो साल, चार साल के जो बच्चे हैं, उनका आईक्यू लेवल, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो इंफॉर्मेशन है, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, एज कंपेयर इस इंटरनेट एज और डिजिटल एज से पहले, कुछ साल पहले, जब तक हम लोग ये यूज उतना कॉमनली नहीं करते थे, उन बच्चों से ज़्यादा है अभी के बच्चों के दिमाग। और ऐसा सब लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि आज के टाइम में उनका, जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा है पहले के बच्चों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसी डिजिटल एज और इंफॉर्मेशन एज का कमाल है, क्योंकि हर घर में हर बच्चा जो है आज के टाइम में वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, देख रहा है मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, टीवी के थ्रू, डिजिटली। तो जो बच्चों को हम लोग पहले इंफॉर्मेशन बताते थे, उनके साथ बातें करते थे, आज वो उसी टाइम में मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, देख लेते हैं, और जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो लगता है इनको इतना सारा इंफॉर्मेशन, इनको इतनी सारी समझ इस छोटे से एज में। तो ये जो विजुअल कॉन्टेंट है जो कि मोबाइल पे वो देखते हैं, टैबलेट पे वो देखते हैं, उसके कारण इतना ज़्यादा उनका माइंड ग्रो करता है और सारी चीज़ों को ना अभी बहुत कम एज में समझ जाते हैं। तो ये तो एक प्रूफ है कि अगर जब हम, चाहे वो बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, तब भी वो सारी चीज़ों को समझ रहा है, क्योंकि उसको विजुअल देखने में उसको मज़ा आ रहा है। पेरेंट्स भी जो हैं, कुछ बच्चों से अगर लगता है उनको काम करना है, थोड़ा फ्री होना है, तो मोबाइल दे देते हैं और अपना काम करते हैं, उतनी देर में वो बहुत सारे डाटा
और बहुत सारे कंटेंट को कंज्यूम कर लेते हैं। वैसे आज स्कूल्स और कोचिंग की अगर बात करेंगे, बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, टीचर हैं, वो ये बोलते हैं कि सर हमने मैं डिजिटल बोर्ड इसलिए लेने जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड है, मैं डिजिटल बोर्ड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ, या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो बच्चों, टीचर बोलते हैं कि पहले बच्चे आते थे तो पूछते थे कि डेमो क्लास लेना है, टीचर कैसा है, बट आज बच्चे आते हैं तो वो जानना चाहते हैं क्या डिजिटल बोर्ड लगा है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि जो बच्चे अब डिजिटल बोर्ड पे उसी चीज को पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ाई होता था, उसी सिलेबस को, उसी कंटेंट को, तो डिजिटल बोर्ड पे उनको पढ़ने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि यहाँ पे इंटरैक्टिव लर्निंग होता है। इंटरैक्टिव लर्निंग कहने का मतलब कि एक तो मल्टीमीडिया कंटेंट हो गया पिक्चर्स के फॉर्म में, वीडियोज के फॉर्म में, साथ ही साथ उस कंटेंट के साथ वो इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो उनको चाहे वो इंटरैक्टिव क्विज हो, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस हो, कंटेंट हो, तो वो ना उनको वहां पे उनका अटेंशन बढ़ जाता है। वैसा सब्जेक्ट जो उनको बोरिंग लगता था, उनको विजुअल कॉन्सेप्ट के कारण, जो विजुअल एड्स के कारण, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो ना उनको मजा आता है, उनका कंसंट्रेशन बनता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट जगता है। तो विजुअल जो डाटा है, विजुअल जो कॉन्सेप्ट है, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि हमारा दिमाग, हम सबका दिमाग उसको बड़ी इजिली ग्रैप करता है और उसको मजा भी आता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है, उनको पढ़ने में मजा आता है। इवन ऐसा नहीं, टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, उनकी टाइम सेविंग भी बहुत होती है और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है डिजिटल बोर्ड के थ्रू। क्योंकि रियल टाइम डिजिटल बोर्ड पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बट ट्रेडिशनल बोर्ड पे क्या होता था, जो टीचर बोल रहा है, जितना बोल रहा है उतना ही नॉलेज होता था। बट आज के टाइम में डिजिटल बोर्ड के साथ साथ इंटरनेट से अपडेटेड डाटा भी हम एक्सेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और रियल टाइम जो भी अभी करेंट अपडेटेड वर्ल्ड वाइड डाटा है उसको हम लोग इन बच्चों को दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके, और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा आया है। बच्चों में बहुत ज़्यादा जो उनके स्किल्स हैं वो बढ़ गए हैं, लर्निंग उनकी बढ़ गई है, फास्ट हो गई है, और टीचर्स का टाइम बहुत कम हो गया है। तो ये डिजिटल बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप लोग एक्सेसिबल इसको ना कर पाएं। ईजी है, अफोर्डेबल है। इन चीज़ों के लिए अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं, हम लोग इसमें पूरा हेल्प करेंगे कि आप डिजिटल बोर्ड कैसा खरीदें और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। और ये इतना आसान है यूज करना डिजिटल बोर्ड कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर अगर कोई ऐसा बंदा है जो बिल्कुल ही अनएडुकेटेड है, उसको पढ़ने भी नहीं आता है, वो भी डिजिटल बोर्ड बेसिकली वो चला लेगा जितना यूज करना है एक एजुकेशन क्लास में दिखाने और बताने के लिए। और इसके बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेज हैं, बट आज मैं बस इतना ही बेसिक एडवांटेज के बारे में मैंने आपसे बात किया, और मुझे लगता है कि आप हमारी बातों से भी कनेक्ट हो रहे होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर लगता है कि नहीं, इनमें से जो मैं कुछ चीज़ें बताया हूँ वो चीज़ें सही नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर इसमें कुछ भी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐड करना है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में बताएंगे कि आप बोर्ड कौन सा लीजिए, कैसा लीजिए, हम लोग उसमें आपको कैसे हेल्प करेंगे। और अभी तक हमने बहुत सारे कस्टमर्स को डिजिटल बोर्ड दिया भी है, और वो हमारे आप चैनल पे जाकर के कस्टमर रिव्यू में उनके एक्सपीरियंस भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो बिल्कुल टेक से भी नहीं थे। तो बिल्कुल आप भी ऐसा ना सोचे कि डिजिटल बोर्ड कोई टफ डिवाइस होगा, ये बहुत ही इजी टू यूज है, वैसा ही आपको देंगे और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे भी आपको देंगे। साथ ही साथ इट विल मोर हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा पढ़ाने में, और बच्चे जो हैं उनको भी मजा आएगा इसके साथ पढ़ करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।